अस्सलाम वालेकुम जी, दुनिया का आखिरी स्मार्ट का फिर आपके सामने हाजिर है। हाँ जी, तो ये है कि आज सैटरडे है और आज मैं जो है वो अपना दोस्तों में भी जा रहा हूँ और एक अपना हमारे दोस्त है, टिकटॉकर है, बड़ा अच्छा टैलेंटेड टिकटॉकर है, तो उससे भी मिलने जा रहा हूँ। और इसके अलावा देखता हूँ आर्ट्स काउंसिल में भाई का ड्रामा भी चल रहा है, तो अगर मूड हुआ तो देखने जाएंगे, वरना नहीं। वरना जो अपना टिकटॉकर एक दोस्त है वह उसने दावत दी तो वहाँ जाएंगे। तो चलें ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर के बाद। तो स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग, तो स्टार्ट दी न्यू ब्लॉग। हाँ जी, तो ये है कि अपना आर्ट काउंसिल हम आ चुके हैं ड्रामा देखने, क्योंकि मैं मजबूरन में आया हूँ, मैं बुलाया गया था मुझे। कोई सेंसेस बात? और ये आप देख सकते हैं ये ड्रामा चल रहा है अभी, और अभी ड्रामा देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देखूंगा, उसके बाद जो है मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है, खाने पे जाना है, दावत है खाने की, तो वैसे भी भूख भी लग रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे भी ड्रामा चल रहा है और ये हमारे फैजान भाई जो है उनके ये भतीजे बैठे हुए दोनों, आप ये देख सकते हैं, और ये अली बाबू भी बैठे हुए हमारे, ये आप चेक करें। तो चलें ये है कि ड्रामा देखते हैं, फिर उसके बाद जो आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है कि अपना आर्ट्स काउंसिल से फ्री होने के बाद जो है अभी मैं आया हूँ यक्ताबाद पे। जैसे कि मैंने कहा था, एक टिकटॉकर है और बड़ा टैलेंटेड है, पर आज भाई की तबीयत सही नहीं है। तो चले, ये है कि अभी बैठे हुए मेरे साथ और भाई से जो है बात कर रहे हैं, ये है अमान पानी वाला, तो आप ये देख सकते हैं ये पानी वाले हैं। और भाई का टैलेंट इतना VIP है कि ये जो है मुंह से पानी निकालते हैं। आप टिकटॉक पे जो है इनकी आईडी देख सकते हैं अमान पानी वाले के नाम से, तो भाई बड़ा ज़बरदस्त वीडियो होती है और पानी पी के जो निकालना, मैं कहता हूँ एक अमेजिंग टैलेंट है। अमान भाई ने कहा था कि मिलना है, तो मैं इनको बताना भूल गया कि मैं व्लॉग में आपका जो है वो पानी वाला सीन लेना चाहता हूँ, तो ये कह रहे हैं यार उसकी ट्रिक होती है। तो बाकी ये है कि चले देखते हैं क्या समाचार है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टाइम मिला तो ज़रूर जो है एक और इनके साथ ब्लॉग करेंगे, वो लंबा ब्लॉग करेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे मीटअप के लिए मैं आया था। और अमन भाई लाइव बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे टिकटॉक पे? लाइव बैठता हूँ, कभी कभार बैठता हूँ, अभी इंशाल्लाह सेटिंग कर रहा हूँ मैं लाइव की, ऑफिशियल सेटिंग, इंशाल्लाह लोगों को पसंद भी आएगा बैठना। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये है कि ऑफिशियल सेटिंग होनी चाहिए। तो अभी मैं भी जो है लाइव पे नहीं आ रहा हूँ, जिनको नहीं पता कि टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में चल रहा है, तो भाई टिकटॉक लाइव ऐसे चल रहा है कि बाहर की सिम अगर आपके पास होगी तो आप जो है लाइव में ज्वाइन हो सकते हो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं, और ये कि आप लोग भी जो है जो बाहर के व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी आईडी हमारी ज्वाइन करें, समीर सलम मेरा नाम चर्च मारे वो आ जाएगी, अमन भाई की अमन पानी वाले के नाम से, तो इनका भी जो है अपना वीडियो पे आप सर्च करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर जो है बात करते हैं आपसे। हाँ जी, तो ये है कि अपना ये भाई बर्गर आ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं, और ये हमारे अमान पानी वाले जो हैं भाई बड़े अच्छे टिकटॉकर हैं, इन्होंने लिए बुलाया, हालांकि वैसे बुलाया नारी के लिए था, नारी खिलाने तो वो ख़त्म हो गई, तो ये अभी बर्गर खिला रहे हैं हमारे अमान भाई। तो चले अब ये खाते हैं फिर जो आपसे बात कर रहे हैं। ये है कि अपना याकताबाद से जो है हम आ चुके हैं और काफ़ी देर के बाद मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये हमारे फैसल भाई अब जो है फ्री हुए हैं शॉप से, और ये एहसन भाई भी शॉप से फ्री हुए हैं, तो हम एक काम से गए थे, वहाँ से फ्री होने के बाद अब ये गन्ने का जूस पीने हम आए भाई। ये देखें ये गन्ने का जूस भाई निकालने हैं, एहसन भाई और अपना एहसन भाई जो है मेरे पैसों का पियेंगे, इनको शर्म घेरत ही नहीं है, गरीब बच्चे के पैसों से पीते हैं, अल्लाह को मानो यार। शर्म तो भेज दी कब से, मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। शर्म हमारी मिस नहीं खरीदी थी निकालेंगे, ये जूस गन्ने का जूस पीने के बाद हमारे पैसों का जूस निकालेंगे। कुछ पूछा? मोहब्बत मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत है। और फैसल भाई पता नहीं कौन सी सोच में बैठे हैं, इनका समझ ही नहीं आ रहा, काम नहीं होगा तेरा, कंटेनर रुक गए थोड़े, समझ रहे हो, हफ्ते को लोग जो है अब आउटिंग पे निकल जाते, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हेलमेट एडवर्टाइजिंग हो नहीं रही है, चलो ये आप देखें जूस निकल रहा है भाई, जूस हमारा भाई रेडी हो चुका है, जूस पीते हैं उसके बाद में आपसे बात करते हैं।
हाँ जी, तो ये है कि अपना ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। दो दिन जो है तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू कर पाया। अब जी जो है मैं शेप वगैरह और बाल थोड़ी कटिंग करवाने जा रहा हूँ, तो चले चलते हैं और फिर जो है वो देखते हैं क्या समाचार है। तो वेट करें, फिर नाई के पास जाके मिलते हैं। हाँ जी, तो ये है कि अपना आ चुके अभी शेप करवाने, और ये अभी शेप करवाने हुए यार मैं जो है ये अंकल के पास ही मैं आता हूँ। ये आप देख सकते हैं इकबाल भाई नाम है इनका, और यूसुफ भाई, सॉरी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई मेरी याददाश्त थोड़ी जो है वो 6 महीने में कम हो गई है, तो इस वजह से मुझे अभी नाम आजकल याद नहीं रहते। यूसुफ भाई है ये, और बल्दिया टाउन में जो है इनकी शॉप पे ही हम लोग जब से यहाँ पे आए। पहले कहीं और से मैं ट्राई करा था मैंने, क्योंकि मैंने इलाके में 2-3 जगहों पर ट्राई किया, पर ये है कि अंकल के हाथ की कटिंग और शेविंग मुझे अच्छी लगी। तो चले, ये है कि अभी मैं शेव करवा रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या समाचार है, बात करते हैं, क्योंकि गर्मी आज बहुत थी यार। तो शाम में मैं निकला हूँ अब, और सुबह से मैं 3-4 बार जूस पे जूस पी चुका हूँ। तो फिर चले शेव करते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ साहब, तो ये देख सकते हैं आपके आपका भाई चिकना हो गया है और लाइट चली गई है भाई, क्या करें। तो ये है कि भाई देख लें, अपन है सस्ते लोग और सस्ती चीज़ें पसंद है अपने को यार, देसी लोग हैं अपन। शौक नहीं है कि महंगी जगहों पे जाएं कटिंग वटिंग करवाएं, एक ही बात होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो चलें चलते हैं। और अंकल जो है माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त हैं यार, इनको मैं अगर कहता हूँ कि थोड़ी सी साइडें वाइडें सेट कर दें तो कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। और कम से कम रेट है यार, सही है, अभी महंगाई के टाइम में कम से कम ही अपने को भाई हो तो फ़र्क पड़ता है। तो चलें फिर जो अपने बात करते हैं आपसे घर जाके तैयार होके, फिर देखते हैं क्या समाचार है। हाँ जी, तो ये है कि अपना भाई घर आया हूँ तो लाइट नहीं है, जनरेटर ऑन करेंगे। और मौसम जो है बड़ा VIP हो रहा है, सुबह में बड़ी गर्मी हो रही थी और अभी जो है मौसम आप देख रहे हैं कितना सुहाना हो रहा है, और हम जो है सिंगल लोंडे क्या करें समझ के बाहर है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। खैर चले, मौसम बड़ा अच्छा है और देखते हैं कि बारिश के आसार लग रहे हैं, पर होगी नहीं होगी पता नहीं। तो ये देखें यहाँ पे जो है ये मैच खेला जा रहा है, क्या सीन है। जनरेटर ऑन करता हूँ, फिर उसके बाद मगरिब के बाद नहाता हूँ, तैयारी पकड़ता हूँ, क्योंकि आज हो सकता है यार कि मैं अपने एक शादी तो है, कज़न का वलीमा है, अगर मूड हुआ तो जाऊँगा वरना तो नहीं। बाकी देखते हैं अल्लाह मालिक है। जनरेटर ऑन करते ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा, पसंद आओ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।